2.1 द्रव्यमान का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मास। आप अपने आसपास पाए जाने वाले पदार्थों पर ध्यान दें तो उनमें कुछ परिवर्तन होते दिखाई देते हैं, जो रंग, गंध, अवस्था में आए बदलाव के द्वारा पहचाने जाते हैं। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझें। जब हम एक मोमबत्ती को जलाते हैं तो कुछ देर बाद वह पूरी जल जाती है। सोचिए कि मोमबत्ती के पदार्थों, मोम तथा धागे की बत्ती का क्या हुआ होगा। बहुत समय तक यह माना जाता था कि वह जलकर समाप्त हो जाती है। जब इसे समझने का प्रयास किया गया तब यह स्पष्ट हुआ कि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक क्रिया है, जिसमें मोम के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी भाग लेती है और क्रिया के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनकी पहचान पूर्व में नहीं की जा सकी थी। जब सब अभिकारक का कुल द्रव्यमान ज्ञात किया गया तब वह उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर पाया गया। इससे पहली बार यह स्पष्ट हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं, वे नष्ट नहीं होते हैं। ऐसा ही कई अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन में भी पाया गया कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बनने वाले उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है।